है तो भाई ने इस पे टेप वेप लगा दी है पूरी की पूरी, सेट हो गया, अब फिट करते हैं इसको वापस, अपनी जो खूबसूरती है उसको लेकर आते हैं अब दोबारा उजड़े चमन पे लगाने जा रहे हैं। Everyone, I hope everyone is doing great. So guys, तुम्हारे भाई ने आप सबको वादा किया था कि यार एक ऐसी जगह आपको पैच का वीडियो दूंगा जहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में इससे सस्ता रेट जो होगा ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे वसीम भाई है और बट जितने भी लोग भाई से करा के गए हैं भाई हर एक के मुंह से मेरे को सिर्फ तारीफ ही मिली है कि भाई एक तो भैया का रेट बहुत सही है, एक भैया का काम बहुत सही है। ये जो पेच है ये है मोनोफिलामेंट। ओके, तो इसकी जो हम स्टार्टिंग है हमारे पास वो है 6000 से। ओके, और इसमें हम जो 4 सर्विस फ्री दे रहे हैं और इसकी क्या डेंसिटी थोड़ी हैवी होती है इसमें। ओके, और मोनोफिलामेंट मैंने जैसे पहले भी वीडियोस के अंदर बताया मोनोफिलामेंट का एक चीज़ होता है कि मोनोफिलामेंट का जो नीचे का ये जो पट्टी होती है थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसका थोड़ा सा ये होता है कि जब आप सर पे लगाते हो जी जी तो हमें चीज़ पता चलती है कि हाँ हमारा वो पैच सा लगा हुआ है। बट अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हो मतलब अगर आप पैच के अंदर घुसना चाह रहे हो, आप ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो मोनोफिलामेंट सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें जितनी आपको डेंसिटी मिल रही है सबसे पहली बात उतनी डेंसिटी आपको कभी किसी दूसरे पैच में मिलेगी नहीं, प्लस सस्ता है। अगर आपको ये लगता है कि यार महीना हो गया डेढ़ महीना हो गया मैं परेशान हो रहा हूँ, कई लोग होते हैं जिनको नहीं सूट करता या वो नहीं इस चीज़ को कैरी ऑन कर पाते, तो फिर उतारेंगे तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। बट अब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया भैया ने तो बोल दिया 6000 रुपये, आप कह रहे हो भैया सस्ते हैं, तो 6000 रुपये के अंदर भाई ने एक चीज़ और भी बोली, वो अगर आपने ध्यान से सुनी होती, भाई कह रहा है मैं आपको 4 सर्विस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मरी से मरी सर्विस आप कहीं से भी कराते हो वो आपको पड़ती है 500 रुपये। तो भाई 500 के हिसाब से 4 सर्विस मतलब 2000 रुपये का आपको एक तरीके का सीधा सीधा बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपको एक तरीके से मोटा मोटा पैच पड़ गया 4000 रुपये के करीब का, क्योंकि 4 सर्विस उसके बाद फ्री भी तो है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या आ जाता है? इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यूएसए। ओके जी, ये यूएसए में क्या फर्क होता है क्योंकि मैंने अभी तक यूएसए नहीं सुना। यूएसए आपने सुना नहीं, इसकी जो डेंसिटी है वो मोनोफिलामेंट के मुकाबले थोड़ी हल्की है। ओके, उसे लगाने के बाद सर पे मतलब थोड़ा हल्का महसूस होता है, मोनोफिलामेंट हल्का सा भारी होता है क्योंकि डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, हैवी, हाँ ज्यादा मतलब होती है। अगर लोग इसमें एक नेचुरल बिल्कुल एकदम लुक आएगा इसमें, जैसे लोग कई कहते हैं कि भैया हमें थोड़ी कम डेंसिटी वाला चाहिए, कम डेंसिटी चाहिए, हैवी नहीं चाहिए, तो बहुत से होते हैं अकॉर्डिंग जैसे कि किसी के काम के हिसाब से, जैसे कि बहुत से मतलब लड़के आजकल क्या रख रहे हैं, पफ रख रहे हैं, तो लड़कों को तो पफ चलता है, बहुत से आते हैं सिंपल रखना है, तो मोनोफिलामेंट जो आजकल के नए लड़के हैं उनके लिए तो मोनोफिलामेंट बेस्ट है। अब जैसे कि एक ऑफिशियल बंदे होते हैं उनको क्या एक सिंपल लुक चाहिए होता है और डेंसिटी भी लाइट चाहिए, तो उनके लिए यूएसए बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो इसके अंदर आपको डेंसिटी कम मिल जाती है और इसकी मेरे को लगता है पट्टी का भी थोड़ा सा फर्क है, पट्टी का ही फर्क है और इसका जो बेस है वो बहुत छोटा सा बेस है, मतलब इसके मुकाबले छोटा बेस है। तो ये भी हमारा चिपकता टेप टेप और टेप और कमिंग से, और इसको हम क्लिपिंग से भी क्लिपिंग भी लगा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैच कौन सा आता भाई? इसके बाद जो नेक्स्ट पैच है हमारे पास ये BMW है। भाई को काफी ज्यादा लोग जो फोन करके क्वेश्चन पूछते हैं भाई विवेक भाई का कौन सा पैच लगा हुआ है, सब यही तो भाई विवेक भाई का ये वाला पैच लगा हुआ है। विवेक भाई के जो पेज है वो BMW है, वो ये पेज है। ओके, जो अभी आपके लगा हुआ है वो ये पेज है BMW। तो ये अब आप कितने का दे दोगे ये विवेक भाई? चलो मैं एक बार पहले बता दूं कि मैंने 10000 रुपए दिए थे ये, मैं अब मेरे को कम रेट चाहिए इससे, कम रेट चाहिए तो ये आपको देखिए अब जो लगेगा अभी फिलहाल है वो 8000 का और 4 सर्विस इसमें भी फ्री हो जाएगी जी, फ्री हो जाएगी भाई 8000 रुपए का आपको BMW का पैच और उसके अंदर आपको 4 सर्विस फ्री, मोटा मोटा 6000 रुपए के करीब की आपको पड़ेगी इसकी कॉस्टिंग। तो यार इससे बढ़िया रेट BMW का तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और इसमें एक क्वालिटी ये है कि लगने के बाद आपके स्किन पे लगने के बाद स्किन शो करता है, ये देखिए ऐसे, हाँ वो जब हम पार्ट करते हैं तो पूरा वो चीज पार्टिंग करते हैं हाँ, तो वो तो स्किन से निकलता हुआ बाल आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है अपने पास? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये रॉयल क्राउन पेच। ओके, ये देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है? ये रॉयल क्राउन बिल्कुल स्मूथ, जो इसका ये बेस है बहुत ज्यादा स्मूथ है और दूसरा 100% नेचुरल, सब में वही हेयर है, सब हेयर में मोनोफिलामेंट से लेके। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में ये चीज आ रही थी, मैं काट रहा हूँ आपको, कि काफी लोग पूछते हैं कि भैया ये सिंथेटिक हेयर तो नहीं होते या नेचुरल है या सिंथेटिक मिला हुआ है या कुछ है, तो क्या एक्चुअल में जो हेयर होते हैं ये होते क्या हैं?
ये ओरिजिनल असली हेयर होता है, बिल्कुल ह्यूमन हेयर। सिंथेटिक जो होगा उसको हम चेक करा के भी दिखा सकते हैं। ओके, जो आइनिंग जो प्रेसिंग होती है उससे हम दिखा सकते हैं। जो सिंथेटिक होगा वो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा। बिल्कुल 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि वुमेन हेयर देंगे हम, 1% भी उसमें सिंथेटिक हेयर नहीं होगा मिक्सिंग। तो इसकी इसकी कॉस्टिंग अपनी कितनी आ जाती है? इसकी कॉस्टिंग बैठेगी ये 9,000 रुपए जी। ओके, तो इसमें भी हमें 4 सर्विस फ्री मिल जाएंगे? 4 सर्विस इसमें ही फ्री। ओके, तो इसके बाद अब अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका आता है ये ऑस्ट्रेलियन। ओके, आजकल ज्यादा चल रहा है ट्रेंड, आजकल ज्यादा चल रहा है ऑस्ट्रेलियन। काफी ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलियन पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन को बहुत मतलब। तो ऑस्ट्रेलियन लोग पसंद क्यों करते हैं इतना? ऑस्ट्रेलियन जो पसंद करते हैं वो वही है जैसे अभी मैं आपको BMW दिखाया था, स्किन डिटेक्ट करता है, उसी टाइप में इसका एक बाल की जो क्वालिटी है वो BMW से ज्यादा थोड़ी बेटर होती है, स्मूथ होती है। हाँ, बहुत मेरे को लगता है इसकी थोड़ी सी डेंसिटी कम होती है शायद, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है उसके मुकाबले। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन अपने पास मिराज। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है मिराज। ओके, ये देखिए इसमें जो डबल लेयर होती है मिराज में। ओके, यहाँ नीचे जो बेस होता है वो डबल लेयर होती है, और ये स्किन जो डिटेक्ट कर रहा है, ये स्किन शो कर रहा है, देखिए आप दिखा सकते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको बीच में यहाँ से जो लुक है इसकी, जैसे कि अंदर से स्किन दिख रहा वैसा सा जो लुक है वो आपको फील आएगा, करेंगे वो निकल जाएगी। तो वो एक लोगों को एक नेचुरल लुक बहुत ज्यादा चाहिए होती है यार, एक नेचुरल लुक रहे तो ये चीज जो है मिराज के। बट मिराज का एक चीज थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है कि मेरे ख्याल से इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है जी। मिराज के अंदर एक ड्रॉबैक शायद थोड़ा सा रहता है कि मिराज की लाइफ थोड़ी सी कम रहती है। नहीं देखिए, अगर सर्विस टाइम पे आप कराते हैं, जैसे सर्विस जैसे महीने पर बोलते हैं, अगर किसी भी पेज की सर्विस आप 15 से 20 दिन में लेते हैं, हाँ, तो वो पेज आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ 1.5-2 साल आराम से चल जाएगा, अगर 15 दिन में सर्विस लेते हैं। महीने भर में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जैसे महीने से ऊपर हो गया, जैसे बहुत से लोग कहते हैं नहीं सर्विस हम बात चल रहा है चलते रहने दो, हाँ चलने दो, उसके बाद क्या गमिंग जो जो टेपिंग की गमिंग है और जो गमिंग हम लगाते हैं वो जाली पर आना स्टार्ट हो जाती है, और जाली पे आने के बाद वो सीधी बाल को, और फिर जब हम कॉम वगैरह करते हैं तो सीधा बाल क्या टूट जाता है, उसके बाद वहाँ पैचेस पड़ जाते हैं, वो पेच हमारा खराब हो जाता है। ओके, तो ये वजह है, अगर 15 से 20 दिन में सर्विस करा लें तो वो आपका चल जाएगा। बाकी जो मतलब हमारे भैया कहीं दूर से हैं जो नहीं आ सकते, तो उनको हम सेल्फ सर्विस भी सिखा देंगे कि कैसे लगाते हैं, जो दिल्ली नहीं है, दिल्ली से बाहर से हैं, तो उनको सेल्फ सर्विस भी फ्री सिखाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बाहर के जो बाहर से आते हैं उनको ये उनके दिमाग में ये टेंशन रहती है, हाँ, कि एक्चुअल में भैया सर्विस हमारे वहाँ तो है नहीं जी। तो ये भैया ने बहुत अच्छा बता दिया कि यार अगर आपको बाहर से हो और आपको पैच लगवा के जा रहे हो तो आपको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड भैया आपको उस चीज का सिखा भी देंगे, तो टेपिंग और गम वगैरह जो होती है वो भी आप दिलवा दोगे, वो हमारे पास अवेलेबल होगी, वो हम दे देंगे। ओके, बिल्कुल एक कम से कम रेट पर, जो कहीं रेट नहीं होगा हमारे पास मिलेगा कम से कम रेट। तो भाई हर चीज का एक ही सोल्यूशन वसीम भाई, बिल्कुल। बट मेरे को काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने बोला वाजू कहते हैं, क्या कहते हैं? वजू कहते हैं, तो वो पूछे थे कि क्या इसमें वजू कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती एज अ मुस्लिम अगर हम कर रहे हैं? इसका मैं तो सीधा सा ये जवाब दूंगा कि जो हमारे क्या कहते हैं वो होते हैं मौलवी साहब होते हैं, उनसे आप पूछिए, उन्हें बताइए कि इसमें ये टेपिंग और गमिंग लगाते हैं तो हमारा पूरा जो पाक होना चाहिए सर। ओके, जो हम मसा करते हैं वो पूरा हमारा सर जो पाक होना चाहिए, तो उसमें पानी अगर कहीं भी अगर रह गया तो हम पाक नहीं हो पाएंगे, वजू हमारा नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये मौलवी से करें आप इसके बारे में मालूमात, अगर वो मौलवी कहते हैं लगवा लो तो लगवा लीजिए, नहीं इस बारे में मैं नहीं कह सकता। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, पैसे कमाने के चक्कर में मैं किसी को नहीं कह सकता कि ये पेच लगा लो तो मुझे पैसे का लालच नहीं है, इससे कोई मौलवी है अपने तो उनसे आप पता करिए, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं तो वो आपको अगर कहते हैं तो आप लगवाइए, नहीं तो मत लगवाइए। जैसे क्लिप वाला लगवा सकते हैं, अच्छा क्लिप पे तो हमारे फिर 3-4 क्लिप लगेंगे, 4 क्लिप तो बाकी एरिया खाली रह जाएगा, 4 क्लिप लगते हैं, फ्रंट पे टेप लगती है, उसमें फिर ये है कि अभी किसी को कभी कभार जाना है जैसे कहीं तो भी क्लिप लगा सकते हो, नमाज जो पढ़ रहे हैं 5 वक्त या नहीं भी पढ़ रहे हैं मसा करते हैं तो वो क्लिप वाला 5 वक्त की नमाज जैसे पढ़ते हैं तो वो कभी कभार फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं फंक्शन में लगा सकते वो क्लिप लगा के वो कर लिया लगा सकते, जैसे नमाज पढ़नी है तो उन्होंने क्लिप उतार के उतार दिया साइड कर लिया। ऐसे हैं कई लोग जो नमाज के वक्त उतार देते हैं फिर नमाज के बाद लगा लेते हैं, ऐसे हैं कई मिलने वाले मेरे। अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है कि क्लिप वाले के लिए लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया क्लिप वाले का नुकसान क्या है?
क्लिप वाले का देखिए विवेक भैया, नुकसान एक ये है, अगर क्लिप वाला हम 15 से 20 दिन बाद सर्विस करते हैं लगे रहने पर, तो उसके बाद बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ से वो क्लिप बिल्कुल, लगी बिल्कुल, बिल्कुल वो बाल बिल्कुल यहाँ मतलब होल बन जाता है, बिल्कुल वो बाल आएंगे ही नहीं जहाँ जहाँ क्लिप लगेंगे। अच्छा, 15-20 दिन अगर रेगुलर लगा रहेगा, 15-20 दिन रेगुलर अगर लगा रहेगा तो बाल निकल जाएंगे वो रेगुलर लगाने पे, या डेली अगर लगा रहे हटा रहे हैं तो नुकसान नहीं है। अच्छा, और अगर रेगुलर लगा हुआ ही छोड़ दिया आपने तो बाल आपका होल ऐसा बन जाएगा जो क्लिप वाली जगह। और क्लिप जैसे लगवाता, तो जैसे अभी तो ये मेरी टेप लगी हुई है तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ मार रहा हूँ इस पे, मेरे ख्याल से क्लिप वाले में शायद हम हाथ नहीं मार सकते ऐसे, क्योंकि वो बाल खींचते हैं शायद उसमें बाल। हाँ, खींचते हैं, वो बालों पे टिका होता है ना जो हम क्लिप से सेट करते हैं, बालों पे होता है। अब वो हाथ ऐसे मारेंगे तो बाल खिंचेगा स्किन में, वो तो मतलब समझ लो कि आप सोने पे सुहागा कर रहे हो कि जो उड़ा दे उसको पूरे उड़ा दो, वो वाला चीज हो रहा है। तो चलते हैं सर्विस के लिए। हाँ ये बिल्कुल सर्विस के लिए, तो सर्विस के लिए चलते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि भाई सर्विस कैसे करता। सो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम सी लग रही थी, जैसे मैंने जो हेयर स्टाइल पहले करवाया हुआ था उसके अंदर बाल ना बहुत अनइवन से हो रहे थे, तो मैंने भाई को ये बोला कि बाल जो है मेरे थोड़े ठीक कर दे, ज़्यादा छोटे मत करिए, छोटे बाल ही अच्छे लगते। छोटे नहीं होंगे। क्या कर रहा भाई? अभी हम नोचिंग हेयर कट कर रहे हैं विवेक भाई का। भाई साहब, इस बार जो टेप है उसने काफ़ी ज़्यादा आपकी जो गम है वो छोड़ दी है, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो गए मेरे ख्याल से मेरे को चेंज करे हुए। तो वसीम भाई कह रहे हैं कितने दिन? कम से कम अगर 10 दिन यूज़ करेंगे, 10 दिन बाद मतलब सर्विसिंग करेंगे, सेल्फ सर्विस जैसे घर में करते हैं, तो उसमें क्या है पेच की लाइफ बढ़ जाती है, 2 साल भी चल जाता है। और अगर लगाकर छोड़ दिया आपने महीना तो भाई महीना, ने अभी एक चीज़ दिखाई तो एक बार दिखाओ कैसे। तो मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि महीने 2 महीने या 1.5 महीने बाद आप जैसे गमिंग ये टेप ये पेच हटाते हैं, तो गमिंग क्या वो जाली पर आ जाती है, और जाली पर आने के बाद वो बाल भी उलझती है और उसके बाद बाल टूटना शुरू। उसमें फिर क्या होता है, क्लाइंट कहता है कि मेरा पेच खराब हो चुका है। तो खराब होने का कारण ये होता है कि काफ़ी दिन बाद हम जो पेच उतारते हैं उसकी वजह से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई सर्विस के अंदर आपका हेड वॉश जो है वो होता है नहीं होता, तो हेड वॉश प्रॉपरली आपका होता है, हर चीज़ होती है। सो भाई ने पूरा वॉश कर दिया पैच का, भाई कुछ कह रहा था पैच क्या कहता है, कंडीशनर कम था। कंडीशनर जो लगाना है वो लगाना है उसका रागा। ओके, बहुत बेस्ट कंडीशनर है, और बाकी नॉर्मल आप डब का कंडीशनर शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया है। ओके, तो भाई ने इस पर टेप वेप लगा दिया पूरी की पूरी, सेट हो गया, आप फिट करते हैं इसको वापसी, अपनी जो खूबसूरती है उसको लेकर आते हैं अब दोबारा उजड़े चमन पे। अगर आप हेयर पैस पे जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, एंड बेस्ट प्राइजेस पे पूरे इंडिया के अंदर गारंटी है। वसीम भाई से कम प्राइस पे कोई भी आपको पैसे दे पाएगा, तो भाई का नंबर आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो जल्दी से भाई को कॉन्टैक्ट करो और फटाफट अपने बाल ऐसे सेट करा लो यार। मतलब अगर आप गंजापन फील कर रहे हो, या आप फील करते हो कि यार बहुत डाउन फील हो रहे हो, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है बालों की वजह से, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। सो गो फॉर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।